तो जी अभी हम आ चुके हैं बाबा कालिका होटल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, लेकिन देश के हालात इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखी लिया होगा कि कोरोना इस समय दुगनी गति से आ चुका है और बहुत सारे लोग डेली की डेली संक्रमित हो रहे हैं। तो आप लोगों को इससे बचना होगा। और पिछले बार जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन लग गया था और हम सभी लोग प्रिकॉशन ले रहे थे, बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सैनिटाइजर वगैरह का भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग धड़ल्ले से बाहर निकलना है। तो हम लोगों को अगर कोरोना को हराना है तो पिछली बार की तरह ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और इसी कारण मैंने इस बार आउटिंग नहीं की है, आज घर पे ही वीडियो बना रहा हूं। तो जैसा भी हो, अभी आज संडे है तो संडे के दिन अभी अपनी बाइक आप देख सकते हो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, तो सबसे पहले घर पे इसको वॉश करते हैं। नाश्ता वगैरह नहीं किया था तो बहुत ही तगड़ी भूख लग चुकी है और इंस्टेंट अभी कुछ बनाने का भी इच्छा नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो ये घर के बनाए हुए बेसन के लड्डू खाकर थोड़ा सा पानी पीने वाले हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हो कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। तो आइए फटाफट इसको बना लेते हैं क्योंकि मात्र 2 मिनट लगेंगे, बस दूध उबालना होगा उसमें डालो। इसके बाद अगर आप लोग इसमें केला भी, यानी कि दूध के साथ कॉम्प्लेक्स में केला भी डालते हैं तो और ज्यादा पौष्टिक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सब चीजें मिक्स करके मैं बनाता हूँ। फटाफट इसको खत्म करते हैं और वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखेंगे कि लास्ट में और ज्यादा मजेदार चीजें आपको मिलेंगी। और आज हम लंच करने वाले हैं आजमगढ़ की मशहूर, आपने सुना होगा कि आजमगढ़ की वर्ल्ड फेमस कालिका होटल में। तो हाँ, आज हम थोड़ा सा नॉनवेज खाने के चक्कर में है, तो अभी चलते हैं दोपहर को और आपको दिखाते हैं कि आजमगढ़ की वर्ल्ड फेमस कालिका होटल पे आप लोगों को कैसा नॉनवेज मिलता है। तो जी अभी 2:33 हो चुके हैं और फटाफट अब चलते हैं कालिका होटल। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, मेरे घर से जो नजदीक है वो रेलवे स्टेशन पे कालिका होटल, वहीं पे मैं जा रहा हूँ। जो सबसे पुराना कालिका है वो शायद चौक के पास है, तो आप लोग देख लेना। मुझे यहाँ पे 2-3 बार मैंने खाया हुआ है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ही पे नजदीक पे तो ये भी विजिट कर दो। चलिए आपको दिखाते हैं। तो जी अभी हम आ चुके हैं बाबा कालिका होटल और ये आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल ही है, तो आपको आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे बाबा कालिका होटल यहाँ पे आपको सामने ही दिख जाएगा। और यहाँ की फेवरेट है चंपारण हांडी मीट, तो आप देख सकते हो ये इसके बनने का प्रोसेस है। और चलिए हम इसके ओनर के पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या इनके यहाँ फेवरेट है और क्या प्राइस रेट है। और भट्टे की रोटियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 बार खाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग को वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो बताइए कि आपके यहाँ जो सबसे बेस्ट मटन या फिर चिकन कौन सा है? हांडी मीट है, ओना मीट, हांडी मीट। अच्छा,
1050 का है। 1050 का ये जो पूरा हांडी और जो इसका सबसे कम क्वांटिटी का कितना देते हैं? इसमें से निकाल कर देते हैं, आधा अच्छा। किलो देंगे 550 का, एक पाव देंगे 300 का। अच्छा, रोटी चावल का पैसा अलग से लगता है। अच्छा। तो और बताइए कि मतलब चिकन भी आप क्या मिलता है? चिकन मिलता है एक। तो चिकन हांडी में पकता है कि चिकन इधर? नहीं, चिकन इधर ग्रेवी वाला। अच्छा, ग्रेवी वाला। 180 रुपया प्लेट है। 180 रुपया प्लेट में चार पीस। लेग पीस वगैरह देते हैं? अच्छा, कितने लेग पीस होते हैं? एक ही होगा, एक प्लेट में एक लेग पीस। और जो रोटी वगैरह कितना देते हैं? रोटी नहीं, रोटी चावल का पैसा अलग से, जो अलग से खाते हैं उसका पैसा अलग से। अच्छा, ठीक। और अंडा वगैरह? अंडा कड़ी है, अंडा कड़ी 100 रुपया प्लेट है, चार अंडा। 100 रुपया प्लेट चार अंडा रहता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर दिखाइए कि ये जो पक रहा है हांडी मटन इनके यहाँ, देखिए। तो आप देखिए कि इसको पकाने का जो प्रोसेस है। अच्छा, इसको पकाने में कितना टाइम लग जाता है? डेढ़ घंटा लग जाता है एक हांडी में डेढ़ घंटा। और जितने मसाला, जैसे इन्होंने खोला है आप देख सकते हो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छा, इसमें और क्या क्या आप डालते हैं? छोटा इलायची, बड़ा इलायची, अच्छा लौंग इलायची सब, हल्दी। अच्छा, तो आप देखिए यह है इनका पकाने का पूरा प्रोसेस। अच्छा, जो मतलब कि पूरा सीधे हांडी में ही पकाते हैं, कहीं अदर चीज में ही पकाते हैं? नहीं, तो पक ही रहा है क्या? तो अभी आप देख सकते हो ये जो प्रोसेस के बाद का मीट है, ये इनका मीट, ये पूरी तरीके से डेढ़ घंटे के बाद कंप्लीट हो चुका है। और देखिए इसका कलर देखिए, और जब ही जैसे इन्होंने ये ढक्कन इसका खोला है, पूरा मुंह में मेरे तो पानी आ गया है। आप देख सकते हो कि हांडी के अलावा अगर आप लोग सादा ऐसे ही खाना चाहते हो ये मटन, तो ये भी है इसका नॉर्मल मटन। इसका जो रेट है थोड़ा सा सस्ता, कितना? 300 रुपया प्लेट इसके आते। और चिकन भी है, ये आप देख सकते हो चिकन भी यहाँ पे है। और उस भगवने में शायद अंडा रखा गया, अंडा करी। तो अगर आप लोग आजमगढ़ के रहने वाले हो तो यहाँ पे जरूर विजिट करना, या फिर कहीं बाहर से आ रहे हो तो बहुत ही सरल रास्ता है, यहाँ पे आप लोग को आ जाना है रेलवे स्टेशन। रेलवे आप देखिए, ये आपको सामने रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा, इसके जस्ट बगल ये बाबा कालिका होटल, यहाँ पर आप आइए और एक बार टेस्ट करके हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए हम भी आपको अभी खा के बताते हैं। तो जी, अभी आप देख सकते हो कि हमारा हांडी मटन ये आ चुका है। चलिए फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर होता है कि हमारा खाना ठंडा हो जाता है। ख़त्म करते हैं, इसके बाद आपको इसका टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो जी, अभी हम यहाँ पे खा चुके हैं और स्वाद जो है वो बहुत ही लाजवाब का है। मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर तीसरी या चौथी बार यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी, अगर आप लोग आजमगढ़ में रह रहे हो तो आप लोग को पता होना चाहिए, या फिर आजमगढ़ से बाहर से आते हो और आपको नॉनवेज पसंद हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, ये आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यही एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग कर देना है लाइक, और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना है। अगर आप लोग आजमगढ़ के रहने वाले हो तो ज़रूर शेयर करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।